हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2023 के ऊपर। टीसीएस एनक्यूटी 2023 के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है और हमने डिटेल में बताया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेकिन कुछ लोगों के पास से एक रिक्वेस्ट आया कि आप एक टीसीएस एनक्यूटी 2023 का डिटेल वीडियो बनाइए, जिसमें सारी चीज़ एक साथ एक्सप्लेन कीजिए, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम मोड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में बताइए और आपकी जितने सारे डाउट है उसे भी सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसके थ्रू आपको एक एक चीज़, जैसे टीसीएस एनक्यूटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या होगा, एग्जाम मोड क्या है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात कर लेंगे टीसीएस एनक्यूटी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टीसीएस एनक्यूटी जो है ये हर साल टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका वेबसाइट लिंक आपको मिल जाएगा टीसीएस एनक्यूटी का। मैं ये पीडीएफ जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि यूजी वाले, पीजी वाले और डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, प्री फाइनल ईयर में है, जो कि पास आउट है। आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि स्टूडेंट विद एनी डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन आर एलिजिबल टू टीसीएस एनक्यूटी। देखिए, यदि आपके पास कोई भी डिग्री हो, सपोज करते हैं आपके पास बीटेक का डिग्री है, ठीक है, एमकॉम का डिग्री है, बीकॉम का डिग्री है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप बीए हैं आर्ट्स सब्जेक्ट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है कि आपका जो है स्ट्रीम यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, इसके लिए कोई बेटिक क्राइटेरिया नहीं स्ट्रीम का। ठीक है, आगे बात करते हैं। फ्रेशर्स हैविंग लेस देन टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आर एलिजिबल। यदि आपके पास दो साल से कम का एक्सपीरियंस है, लेस देन टू ईयर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा यानी थ्री ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस बैचेज कौन सा अप्लाई कर सकता है। तो बैचेज के ऊपर इन्होंने मेंशन किया है कि 2018 से लेके 2024 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बात करें तो 2018 बैच वाला अप्लाई कर सकता है, 2019 वाला बैच का अप्लाई कर सकता है, 2020 वाला अप्लाई कर सकता है, 2021 वाला अप्लाई कर सकता है, 2022 वाला अप्लाई कर सकता है, 2023 वाला अप्लाई कर सकता है और 2024 वाला अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल विद अप टू टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यदि आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें आपका क्या है कि लेस देन टू ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसमें और एक बात कर लेते हैं, कई लोगों के पास पहले से डाउट है, मैंने पहले भी बताया है कि प्री फाइनल और फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम और डिग्री कैन अप्लाई। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि कई लोगों के पास ये डाउट है कि सर क्या, कई लोग पूछ रहे थे कि एमकॉम वाले कर सकते हैं, बीकॉम वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आर्ट्स वाले कर सकते हैं या नहीं। कोई भी डिग्री हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये टीसीएस एनक्यूटी है, किसी भी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप ग्रेजुएट होने चाहिए, डिप्लोमा होल्डर होने चाहिए और 2018 से लेकर 2024 के बीच में आपका जो है क्लास होना चाहिए, नहीं पास आउट ईयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट इसके एग्जाम मोड के ऊपर बात करते हैं। तो एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, आपके ऊपर ये है कि आप ऑफलाइन चूज करते हैं या ऑनलाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है एक वीडियो मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक भी मिल जाएगा, या फिर इस पीडीएफ को जब ओपन करेंगे तो इसमें भी आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जहाँ आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये वीडियो डिटेल में मिल जाता है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो है फ्री टीसीएस एनक्यूटी 2023 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आपको अप्लाई करने का मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले भी मैंने टीसीएस एनक्यूटी 2023 का वीडियो भी डाल रखा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है। तो इस वीडियो पे आप क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लंबा वीडियो है 30 मिनट का, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके रखा है कैसे कैसे अप्लाई करना है, आप इस वीडियो को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके टेस्ट पैटर्न के ऊपर कि टेस्ट पैटर्न क्या है। तो टेस्ट पैटर्न के ऊपर बात करें तो इसमें जो है आपका दो राउंड होने वाला है। ठीक है, दो राउंड होगा, दोनों राउंड में क्या 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 होगा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं।
तो फर्स्ट राउंड जो होगा आपका वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें 5 सेक्शन रहेंगे। पहला सेक्शन जो है वर्बल एबिलिटी का होगा, सेकेंड रीजन एबिलिटी का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा थर्ड सेक्शन, और फोर्थ वाला प्रोग्रामिंग लॉजिक का होगा, और सबसे लास्ट में जो है वो कोडिंग का सेक्शन होगा, ठीक है। तो यही 5 सेक्शन इसमें होंगे। पांचों सेक्शन के लिए टाइम अलॉट किया जाएगा। जो फॉर्मल एलिबिलिटी होगा इसमें जो आपको है 30 मिनट मिलेंगे, 30 मिनट में आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड सेक्शन, जिसमें हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जिसमें आपको 40 मिनट्स मिलेगा और 26 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग लॉजिक आता है फोर्थ सेक्शन, जिसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे और 10 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ये आपको एमसीक्यू टाइप होगा, इसमें 4 में से 1 चॉइस आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यू होगा। आगे हमारा कोडिंग होगा। इस कोडिंग में क्या है, आपको 45 मिनट्स मिलेगा, 45 मिनट्स में आपको 2 कोड करना होगा। इस कोड में भी आपका जो फर्स्ट कोड होगा, फर्स्ट कोड वो फर्स्ट कोड थोड़ा ये पूरा ही इजी होगा, और सेकेंड कोड जो होने वाला है वो मीडियम लेवल का रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में टोटल कितना मिल जाएगा, 180 मिनट मिल जाएगा, यानी 3 आवर मिल जाएगा। 3 आवर में आपको जो है 92 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये था पहला राउंड ऑनलाइन टेस्ट। इस राउंड को जब आप क्लियर करेंगे उसके बाद ही आपको सेकेंड राउंड का चांस मिलेगा, यानी आफ्टर क्लियरिंग द सेकेंड राउंड यू विल मूव टू द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि पहला ही राउंड तो हार्ड था, उसके बाद तो सब ईजी ही होगा। तो सेकेंड राउंड जो आपका होने वाला है, इसमें पहला जो आपका होगा वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ठीक है। टेक्निकल इंटरव्यू जो है ये डिपेंड कर जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि इसमें आपको कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम नहीं लगेगा। कई बार टेक्निकल इंटरव्यू 7 से 8 मिनट, 10 मिनट में भी समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने मैक्स टाइम रखा है 30 मिनट, यानी 20 to 30 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको DBMS का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। SQL का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका जो कोर लैंग्वेज होगा यानी सी होगा, सी से पूछा जाएगा, जावा से पूछा जाएगा, पाइथन से पूछा जाएगा। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका जो रिज्यूमे होगा उसी से सारा सवाल पूछा जाएगा, यानी रिज्यूमे में आप जो मेंशन किए रहेंगे उससे सवाल पूछाएगा। DS का सवाल हो सकता है, DSA का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ये सब चीज टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाएगा, टाइम डिपेंड कर जाता है इंटरव्यूअर के ऊपर। टेक्निकल इंटरव्यू के बाद जो आपका नेक्स्ट राउंड होगा वो HR इंटरव्यू होगा। देखिए HR इंटरव्यू जो है बहुत ही ईजी होता है, जिसमें आपको सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना होता है और थोड़ी बहुत जो रिलोकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इनके ऊपर बात करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप ओरली जवाब दे सकते हैं। तो ये जो HR राउंड होगा वो 10 to 20 मिनट का होगा। HR राउंड में कई लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे डाउट है। तो HR राउंड में क्या क्वेश्चन हो सकता है इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, ये वीडियो आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो के ऊपर हम आपको बताते हैं कि ये वीडियो कहाँ मिलेगा। ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे हमने पूरे HR राउंड के बारे में डिस्कस किया है कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है HR राउंड में, डिटेल में एक्सप्लेन है, आप देख भी सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है HR राउंड का, जिसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए HR इंटरव्यू, HR इंटरव्यू का एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। HR इंटरव्यू क्वेश्चन, आंसर फॉर फ्रेशर्स, बेस्ट आंसर मस्ट वॉच बिफोर इंटरव्यू। इस बात की श्योरिटी है यदि आप इस HR राउंड के क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा HR राउंड का जो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसका भी लिंक आपको हम अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लिंक पे क्लिक करके इसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका HR राउंड। इसके बाद बात करते हैं, तो यदि आप इन दोनों राउंड को क्लियर कर लेते हैं यानी सक्सेसफुली पास आउट हो जाते हैं इस दोनों राउंड से, तो ये होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, यानी कंग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड, ये आपको मेल मिल जाएगा, कंग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड। तो ये था आपका TCS NQT 2023 का टोटली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम मोड, इन सारी चीजों के बारे में हमने आपको बता दिया। हाँ, एक चीज और बात करते हैं कि ये जो TCS NQT होने वाला है इसकी जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगी इसकी वैलिडिटी जो है वो 2 साल की होती है, 2 साल तक इस स्कोर को आप रख सकते हैं।
और 2 साल तक आप इसके लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जॉब आप अप्लाई कहां से करेंगे उसके ऊपर। तो जब आप TCS NQT देंगे और आपका जो स्कोर कार्ड मिल जाएगा उसके बेसिस पे, हमने जो पहले बताया और जो यूट्यूबर बता रहे हैं उनके बेसिस पे आप TCS में सिलेक्ट हो सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको निंजा और डिजिटल का रोल मिलेगा। निंजा का रोल मिलेगा, डिजिटल का मिलेगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। जिनको निंजा का रोल मिलेगा उनको अपग्रेड करने के लिए ऑप्शन आता है, एग्जाम लिया जाएगा आपको कंपनी के अंदर, जो आप डिजिटल में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो या तो TCS डिजिटल या निंजा में नहीं जा पाते उनके लिए क्या, तो उनके लिए यहाँ पे एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे यदि आपके पास स्कोर कार्ड आ जाता है उसके बेसिस पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में आपको TCS हायर कर सकती है, LXI हायर कर सकती है, इंफोसिस कर सकती है, परसिस्टेंट कर सकती है, वेदांतु कर सकती है, टाइटन कर सकती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंपनियां जो हैं इस पे हायर करती हैं। बस आपको क्या करना है, उस NQTS स्कोर के बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे जॉब यहाँ पे मिलते हैं, 1.6 लाख जॉब आ चुका है यहाँ पे IT और NIT डोमेन का, 1700 प्लस कॉर्पोरेट जॉब आ सकता है, 20 प्लस इंडस्ट्री लेवल का जॉब है, 20 प्लस IT रोल्स का जॉब है, 150 प्लस नॉन IT रोल का जॉब है, और हाईएस्ट पैकेज अब तक का जो है 19 LPA का यहाँ मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आकर आप अब जॉब अप्लाई कर सकते हैं यदि आपका निंजा या डिजिटल में नहीं होता है। तो अप्लाई करने के लिए आपको NQTS स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करना होगा। हाँ, कई लोगों के पास ये डाउट है क्या हम ये एग्जाम फ्री में दे सकते हैं। देखिए, ये एग्जाम फ्री में बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें क्या करना होगा, आपको एक कोई ना कोई पैकेज लेना होगा। आप अपने अनुसार पैकेज ले सकते हैं। यदि आप IT डिपार्टमेंट से चाहते हैं तो आपको TCS NQT IT रेडिनेस पैक लेना चाहिए। ठीक है, यदि आप MBA BBA MCM हैं तो आपको BFS कैरियर रेडिनेस पैक लेना चाहिए। सारे पैक के ऊपर हमारा जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा क्या क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट के थ्रू हम आपको रिप्लाई कर देंगे। यदि फिर भी आपको डाउट रह जाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आप हमसे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आप हमसे मैसेज करके रिस्पॉन्स पा सकते हैं। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट TCS NQT 2023। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, जॉब रिलेटेड हो, उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।